अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो सुजुकी स्विफ्ट 1.3 ऑटोमेटिक वेरिएंट पे एक छोटा सा एक रिव्यू है और कुछ सिनेमैटिक्स हैं, तो आए चलते हैं व्लॉग की तरफ। गाड़ी का शॉर्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के फ्रंट पर आए हैं तो इसमें वही हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, फॉग लैम्प्स इसके आफ्टर मार्केट हैं और फ्रंट ग्रिल इसकी कंपनी की तरफ से क्रोम में आती है। गाड़ी के अलार्म्स की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर अलार्म्स आते हैं, लेकिन इसमें अलार्म्स चेंज हुए हैं। इसमें 15 इंच कनकेव इमोशन आर मैट ब्लैक में लगे हुए हैं विद रेड फिनिशिंग। गाड़ी के बैक पर आए तो गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव लगती है बैक से, और अलार्म्स लगाने के बाद गाड़ी काफ़ी वाइड लुक दे रही है। इसके अलावा गाड़ी के साइड प्रोफाइल में ऐसा खास कुछ नहीं है। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आएँ तो गाड़ी में वही सुजुकी का टिपिकल इन्फॉर्मेशन क्लस्टर लगा हुआ है, वही येलो और वाइट LEDs के साथ। गाड़ी में कोई एयरबैग नहीं है। गाड़ी में 10 इंचज़ का एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। गाड़ी का हेडरूम और लेग स्पेस काफ़ी है और गाड़ी स्पेशियस, अंदर से गाड़ी का रूम बड़ा है। गाड़ी का नॉन फॉल्ट एक तो ये है, इसकी थ्रॉटल बॉडी है वो मैनुअल है, वो कैलिब्रेट भी मैनुअली करनी पड़ती है और उसकी वजह से गाड़ी पिक लेते हुए थोड़ा सा लैग करती है। इसके अलावा गाड़ी की पार्ट्स अवेलेबिलिटी ठीक है और पार्ट्स बट थोड़े से ओवर प्राइस, सेल गाड़ी की थोड़ी सी कम है और इस ऑटोमेटिक वेरियंट की एज़ कम्पेयर टू मैनुअल और भी कम है। और ये गाड़ी लास्ट ईयर डिसकंटिन्यू कर दी है सुजुकी ने। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।